तो एक बार फिर एक सेकंड गाना जो दानिश अल्फाज और मुस्कान शर्मा का रिलीज हो चुका है, पार्टी अभी बाकी के बाद अब रफ्ता रफ्ता। मुस्कान क्या कहेंगे? तो रफ्ता रफ्ता ये गाना मेरे दिल के बहुत ही करीब है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने आज तक जितने भी एल्बम्स किए सब दानिश के साथ ही किए हैं और ये बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। इनफैक्ट दानिश ने कहा है कि उसने ये गाना नहीं है, ये दानिश की फीलिंग्स उसने ये गाने में जाहिर की है, तो बहुत ही प्यारा गाना है, आप भी ज़रूर देखिएगा। दानिश भाई आप क्या कहेंगे क्योंकि सेकंड गाना और केमिस्ट्री जम रही है लगता है मुस्कान शर्मा और दानिश अल्फाज की? मैं कहूँगा गाना बहुत टेस्टी है। दो घंटे से मैं इतनी मेहनत कर रहे थे हम लोग, तीन घंटे से इतनी मेहनत कर रहे थे, इतनी भूख लगी थी ना, फाइनली मैं खाने बैठा था, बट कोई बात नहीं। गाने के बारे में क्या गाने के बारे में अच्छा गाने के बारे में बात करनी है। गाना यस, मुस्कान ने जैसा कि बोला कि वो गाना इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट्स माय फीलिंग। मैंने बहुत दिल से गाना लिखा था, कंपोज किया था और गाया है। मुस्कान ने इसमें चार चांद लगाए हैं वीडियो में आके और ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज बन गया है मेरे हिसाब से। जब मुझे लगा कि लोगों को अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें तो हमने लोगों के सामने ये लेके आए और लोग ऑब्वियसली बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि गाना ट्रेंड कर रहा है। चार पाँच घंटे में रिलीज़ होने के 4-5 घंटे बाद ही गाना ट्रेंडिंग पे आ गया, बहुत बड़ी बात है। और अच्छे खासा यू नो रिस्पॉन्स मिल रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं सबकी। तो कल से हम रील्स बनाएंगे। हाँ, तो लास्ट में क्या कहना चाहिए सॉन्ग को लेकर रफ्तार? बस मैं यही बोलूँगा कि बहुत मेहनत की है इस गाने में, बहुत मेहनत की है। इसमें सारे इमोशंस जुड़े हैं, मेहनत जुड़ी है, टाइम जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा है। बस लोगों को मैं ये नहीं बोलूँगा लोग इसको पसंद करें या इसको लाइक करें, शेयर करें, मैं ये बोलूँगा एक बार सुने ज़रूर, अगर सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा ये चीज़ क्या है। तो ये थे हमारे साथ दानिश अल्फाज और मुस्कान शर्मा, आप भी जाइए सब गाना सुनिए रफ्ता रफ्ता। आमिर खान मुंबई। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मुस्कान शर्मा की मम्मी मीना शर्मा जी। कैसे लग रहा, बेटी इतनी फेमस हो गई है, सॉन्ग लॉन्च हो गया, कैसा लगता है, माँ को कैसा फील होता है? मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इस लेवल में आएगी और मुझे बहुत फ़ख्र होता है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ या मार्केट में या ट्रेन में या किधर भी बाहर टाउन में भी मैं जाती हूँ तो भी बोलते हैं ज़्यादा करके आप मुस्कान की मॉम हो। मैं मास्क में भी रहती हूँ तो भी लोग मुझे पहचान लेते हैं। अगर आप मास्क लगा देते तो भी आपको पहचान लेते हैं? हाँ, तो भी मैं मास्क पहने हुई रहती हूँ ना तो भी लोग बोलते हैं मुस्कान की मॉम, कोई कोई पीछे से भी चिल्लाता है मुझे मुस्कान की मॉम। आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा, बेटी ने मुझे फेमस कर दिया। हाँ, बेटी ने मुझे फेमस कर दिया, मुझे बहुत गर्व फील होता है, मैं बहुत खुश हूँ। कोई अनकही बातें जो मुस्कान शर्मा की अगर आप बताना चाहें, कुछ बातें ऐसी? नहीं, बातें तो बहुत हैं जो कुछ याद है, कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने उसको बहुत डिप्रेशन से बाहर निकाला है और बहुत उससे, मेरी बेटी अभी मैं सोच भी नहीं सकती कि वो इतनी डिप्रेशन से बाहर निकल के और इस लेवल में आएगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और हर माँ को ऐसा करना चाहिए अपने बच्चे के साथ, जब अपना बच्चा डिप्रेशन में हो और एक माहौल ऐसा होता है कि क्या होगा पता नहीं, उस वक्त में आपने अपनी बच्ची को संभाला और आज सक्सेस? नहीं, बच्ची को एक माँ को एक दोस्त बन के रहना चाहिए उसको, और उसको हिम्मत देनी चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको आगे कदम बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जिनके बच्चे डिप्रेशन में उनके उनके माँ बाप को आप क्या कहना चाहिए, कैसे? मैं तो यही कहूँगी जैसे मैंने अपनी बेटी के साथ किया है वो भी अपने बच्चों के साथ वैसे ही रखें। हाँ, अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चले और दोस्त बन के रहें और बच्चों की दिल की बातें शेयर करें अपने साथ में। थैंक यू सो मच, माँ बाप से कहना है मेरा। तो ये थी हमारे साथ मीना शर्मा मुस्कान शर्मा की मम्मी। आमिर खान मुंबई। बहुत अच्छा इमोशनल है और ये ब्रेकअप के ऊपर है तो लोग बहुत इससे आजकल आशिकी में डूबे हुए होते हैं, तो बहुत लोग कनेक्ट करते हैं, रिलेटेबल होते हैं क्योंकि बहुत लोगों को प्यार में धोखे मिलते हैं तो बहुत कनेक्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा गाना है और इसके लाइन और लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। सबको सुनना चाहिए गाना, मतलब सुनना चाहिए। थैंक यू सॉरी आयुष, क्या हो गया गाने को लेकर? रफ्तार को लेकर गाना इतना अच्छा है पर उन लोगों ने इतना वेट करा है गाना बन के, 9 महीना हो गया रहेगा। आपने शायद मेरे एक ब्लॉग मैंने डाला था इसके पहले, मतलब गाना से पहले मैंने शूट किया था, आज 9 महीने पहले डाला था और गाना इतना लेट, ऐसे क्यों किया है लोग से पूछो भी। अच्छा, और अयान क्या बोलोगे?
गाने के लिए हमने नहीं, सभी ने वेट किया है और गाना सब लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कब आएगा। फाइनली गाना आ चुका है और सबने बहुत प्यार दिया गाने को और ट्रेंडिंग पे चल रहा है हमारा सॉन्ग। तो और हमारे साथ तानिया भी हैं। तानिया आप क्या कहेंगे? हमारे साथ सब मुस्कान शर्मा की टीम है और सब आमिर खान। मेरे दिल के तो बहुत करीब इसलिए है क्योंकि मेरे बेबी की तरह, मैंने उसको बेबी की तरह पाला है, लिखा है, बनाया है, कंपोज किया है, गाया है। इवन मैं अगर वन वर्ड बोलूं तो वो गाना मैं हूँ, वो गाना नहीं है, वो गाना दानिश। अरे वंस मोर। वाह वाह, अच्छा कर रहे, अच्छा कर रहे, गाओ गाओ। क्यों सर, तो जाने दो, अभी लॉन्च करेंगे गाना। ओके ओके।